हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं इधर कर रही हूँ आज से अपने वेट लॉस जर्नी की स्टार्टिंग, और मैं ये बना रही हूँ सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक। इसमें मैंने मेथी दाना और सौंफ ले लिया है, और ये है धनिया, और इसके बाद लूँगी मैं इसमें जीरा। तो गाइस, ये सब मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम पानी और इसको रात भर भिगो देंगे। फिर इसको सुबह को मतलब बॉईल करेंगे, तब इसको लेंगे हम। अब इसको रख देंगे, तब ये बहुत सही रहता है, मतलब वेट लॉस के लिए सही है ये। और इधर कर रही हूँ मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज, ये देखिए। मेरे थोड़ा गर्दन में पेन है, तो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को कर रही हूँ। और अब मैं कर रही हूँ ये वाला योगा, क्योंकि मैंने टीवी में भी लगाया हुआ था, वही कर रही थी मैं। इतने अच्छे से तो मुझे आता नहीं है, पर मैं ऐसे ही करती हूँ, टीवी में लगा देती हूँ फिर कर लेती हूँ। तो गाइज, आप सबको कैसा लगा मेरा व्लॉग तो बताना। और मैं आज से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो आप सब मेरा सपोर्ट करना प्लीज़। मतलब वेट ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि वेट लूज जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सब मोटा मोटा बोलने लग गए हैं यार, या थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये देखिए, इधर बगल में तन्नू बैठी हुई थी, तो मुझे वो बता रही थी दीदी ऐसे करो ऐसे करो। और इधर देखो, मैंने ये चढ़ा दिया है फ्राई पैन, और इसमें डाल दिया है अब ये पानी। ये रात भर भिगोया हुआ था मैंने, तो ये बढ़िया हो चुका है। और इसमें अब डाल देंगे हम इसको, बॉयल होने देंगे थोड़ी देर, अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब ये आधा कप बच जाएगा तब हमें इसको पीना है। एक कप था और ये आधा कप। गाइस देख लीजिए आप, ये सही रहता है, इतने अच्छे से बॉयल हो चुका है ये। आप ऐसे ही लीजिए, वैसे तो ये फर्क दिखाता है। वैसे मतलब इतने मैंने इतनी वीडियोस, मेरी मम्मी भी बोलती है कि तू ये यूज़ कर, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं इससे फर्क पड़ता है या नहीं। फर्क पड़ता है तो वो आपको दिख ही जाएगा मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए, ये हो चुका है तैयार। अब मैं इसको पी रही हूँ, ड्रिंक हो गया तैयार। अब मैं इसको पीती हूँ, और ये ना मतलब इसमें शहद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना हमने सौंफ डाली है, तो उससे ना ये मीठा हो जाता है, तो ठीक लगती है, अच्छी लगती है टेस्ट में। ठीक है, तो गाइस ये पीने में तो बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि इसमें मीठा सौंफ की वजह से मीठा ही हो गया थे। और अब इधर लगा रही है तन्नू झाड़ू, और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज, क्योंकि बारिश हो रही है हमारे इधर 3-4 दिन से। तो गाइस हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए हमने 2 हरी मिर्च काट दी है, और अब लेंगे आटा, गेहूँ का आटा। तो इसमें डालते हैं अब थोड़ी सी मिर्च और नमक, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी, और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, और इसमें मिला देते हैं अब पानी। गाइस हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है, और हमने तवा चढ़ा दिया है, इस पे डाल दे थोड़ा सा तेल, थोड़ा ही डालेंगे। ये
ये चीला हेल्दी है क्योंकि इससे ना हमारा वेट ज़्यादा गेन भी नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा लाइट वेट खा रही हूँ और इससे सही है ये। हम अच्छे से सेक देंगे, अब कम तेल डालना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा तेल वाला नहीं बनाना है। थोड़ी देर इसे रेस्ट पे रखेंगे ना तब ये अच्छे बनते हैं, और जो हम इसे थोड़ी देर रेस्ट पे नहीं रखेंगे ना तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, फिर ये टूट जाते हैं। तो गाइस अब हम इसको पलट देंगे, ये सूख चुका है एक तरफ से, ये देखिए आराम से निकल चुका है, ये देखिए तो गाइस ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है, ये देखिए ये सिक चुका है। अब हम ना दूसरा चीला डालेंगे, ऑयल कम ही डालना है, ऑयल कम होगा ना तभी सही रहेगा ये, क्योंकि फिर तो ये ज़्यादा फैटी हो जाएगा जो इसमें ऑयल डालेंगे हम। तो आप इसको मीठा भी बना सकते हैं पर मैं इसको यही बनाती हूँ तीखा, क्योंकि हम वो हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, क्यों ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा, इससे हमारा वेट बढ़ जाएगा जो हम ज़्यादा डालेंगे तेल, तो इसलिए हमने इसमें बहुत कम तेल यूज़ किया है। ये देखिए दूसरा भी बन के तैयार हो गया, इसको अच्छे से सेक लेंगे। गाइस ये बनाया मैंने सबसे बड़ा चीला, और नॉर्मल है ये देखो, ये थोड़े ठीक साइज की इतनी रोटी बनती है, पर ये मैंने बहुत बड़ी चीला बना दिया, इसमें एक ही उसमें मतलब पेट भर जाएगा, एक काफी मतलब ये दो तीन बना है, और मैंने इसमें कमी डाला है, और ये देखो ये भी फूटेगा वो कितने आराम से पलट गया, ये देखो। और ये देखो हमारी चाय, मैं चाय नहीं लूँगी, मैं लूँगी दही क्योंकि चाय मुझे पसंद भी नहीं है और उसमें भी ठीक रहती चाय वगैरह, तो इसलिए मैं लूँगी दही और चीला, और ये लोग खाएंगे चाय और चीला। ये देखिए मैं खा रही हूँ अब दही और चीला ही खा रही हूँ, उधर मम्मी बैठी हुई है, मम्मी खा रही है चाय के साथ, ये देखिए। लास्ट भी तोड़ लिए, काट लेना थोड़ी देर, ये देखो इसकी चप्पल फंस गई, निकाल ले जल्दी, ये तोड़ रही थी यहाँ से जामुन और इसकी फंस गई चप्पल पौध में, वाह भाई चप्पल निकाल लेना हाथ से। तो गाइस देखो कितने पागल वाले काम कर रही, उनकी पौध खराब कर रही, अभी पेड़ पे ही चढ़ जाना, इतना बड़ा तो है भी नहीं। तो गाइस ये देखो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया है और ये तोड़ने जा रही है, इसने ये तोड़ लिए आधे, ये देखो हाँ चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ जा भाई चढ़ जाओ ऊपर जल्दी, ये सारी जगह जगह है, मार ले पैर जल्दी, गिरी ना तो पाव बोल दिया,
और इधर हमारे वाले टहने भी तो लग रहे बहुत सारे। कुछ नहीं है, चढ़ जा तू। इतने छोटे पेड़ पे चढ़ते हुए भी डर रही है। जामुन खा रही हूँ, ज्यादातर जामुन देखो उधर लग रहे हैं, इधर की साइड लग ही नहीं रहे। ये पेड़ थोड़ा कच्चा है इसलिए मैं ज्यादा ऊपर नहीं जा रही हूँ, बस आधा अब नीचे आधा। तो गाइस ये तोड़े हैं दीदी ने जामुन, ये देखिए हमने जामुन तोड़े हैं और मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे लग रहे हैं ये जामुन। ये ना छोटे वाले जामुन है तो इसमें गुठली ज़्यादा है, ये कम है गुदा, अच्छे लग रहे हैं। गाइस ये है मेरा शाम का डिनर, इसमें मैंने लिया है दही, एक कटोरी दही और ये सब्जी और दो रोटी, लेके दो रोटी ली है और मैं इसको खाती हूँ अब। तो चलिए अब अपना डिनर कर लेते हैं, अब मैं देखती हूँ कैसे बनी है सब्जी, पर थोड़ा नॉर्मल ही है देखिए।